नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ काशीवासी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार जल्दी, जैसे 2 साल के इंतजार के बाद रामलीला का मंचन स्टार्ट हुआ, वैसे ही 2 साल के बाद मेरी YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर हुए। आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, ज़रा ये सुनिए। और ये भी सुनिए। सच में 2 साल से ये कान इस धुन के लिए तरस गए थे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। हे लंकाधिराज, मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा है। राजन, मुझे उत्तर दें। आप नहीं है भैया, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। जब तुम उनसे बात कर रहे थे, खड़े कहाँ थे? उसके बगल में, सिर के पास, ताकि वो मेरी बात सुन सके। यही तो भूल हुई लक्ष्मण, तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, वैसे ही जैसे एक शिष्य गुरु के पास खड़ा होता है। आखिर राम जी लक्ष्मण से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो रावण से जाकर ज्ञान की बातें अर्जित करें? दरअसल रावण के बारे में ये वीडियो मैंने पहले ही सोच रखा था, तो आज बात करेंगे हम रावण के बारे में। रावण इस रामायण का अहम हिस्सा क्यों है और कौन था रावण? रावण, लंकापति रावण, लंकेश, दशानंद। आमतौर पर अगर रावण के बारे में किसी से पूछो तो यही बताएगा कि वो लंका का राजा था, उसने सीता मैया का हरण किया था। लेकिन रावण के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत अगर किसी से कोई पूछो तो रावण के माँ बाप का नाम ले लेता है। तो मैं आपको बताता हूँ रावण की फैमिली के बारे में। दरअसल रावण जो था वो ब्रह्मा जी का वंशज था। भगवान ब्रह्मा जी के बेटे पुलत्स और हरिभु ने जन्म दिया ऋषि विश्वशवा को। ऋषि विश्वशवा की 2 पत्नियां हुई, पहली देवांगना और दूसरी एक राक्षसिनी जिसका नाम था कैकसी। देवांगना ने तो कुबेर को जन्म दिया, जो कुछ समय तक लंका के राजा भी रहे। माना ऐसा जाता है कि कैकसी ने बुरे मुहूर्त में गर्भ धारण किया था, तो उसकी वजह से उसने राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे बड़ा था रावण। रावण के साथ कुंभकर्ण, सुपुर्खा, विभीषण भी पैदा हुए। रावण ने आगे चल के बलपूर्वक कुबेर से लंका हथिया ली, उसके बाद वो लंका का राजा बन गया। रावण ने शादी की मंदोदरी से और मंदोदरी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहला पुत्र था मेघनाथ, दूसरा था आतिके और तीसरा था अक्षय कुमार। तो ये तो हो गई रावण के फैमिली की बात। चूंकि रावण ऋषि विश्वशवा का पुत्र भी था, तो उसमें ज्ञान का अंश होना भी बहुत आम सी बात है। रावण ऐसे प्रकांड विद्वान इस दुनिया में बहुत कम हुए हैं। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त और बहुत बड़ा तपस्वी था। तो चलते हैं फिर से मेले की तरफ। राजा साहब फिर अपनी बग्घी से निकले और मेले की तरफ प्रस्थान किया। हाथी, घोड़े और उनके किले का सारा स्टाफ, पारंपरिक तौर से सारी भीड़ वहां जमा हुई। रावण जन्म हुआ। जन्म होने के कुछ समय बाद यज्ञ शुरू कर दिया और तपस्या भी की, जिसमें ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान भी मांगा कि मुझे इस संसार की कोई ताकत मार ना पाए सिवाय इंसान और बंदर के। और इस वरदान के मिलते ही उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसके साथ कुंभकर्ण ने भी एक बहुत ही अनूठा वरदान मांगा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं 6 महीने तक सो सकूं और सिर्फ 1 दिन उठ सकूं। और वहीं विभीषण तो ये वर मांगते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में जगह दे दें। सारे देवता परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ से शुरू होती है क्षीरसागर की लीला। क्षीरसागर की झांकी रामबा के पोखरे में होती है। एक नाव पर भगवान विष्णु का स्टेज होता है, जिसपे शेषनाग के मॉडल की एक नाव बनाई जाती है, और फिर दूसरी नाव पे उसके मांझी रहते हैं। अंधेरा होते ही कीर्तन शुरू हो जाता है और संवाद के साथ क्षीरसागर की आरती होती है। देवता मदद की गुहार लगाते पहुंचते हैं, वहीं भगवान विष्णु अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि रघुकुल में भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेंगे और पापियों का सर्वनाश करेंगे। और हाँ, मैंने बताया था ना आपको पंचलाइट के बारे में, वो पेट्रोमैक्स ऐसे बनता है वो। कहने को रावण तो एक बहुत बड़ा अत्याचारी था। रावण सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिषी का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रघुकुल स्वामी,
मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं आप। मुझे उचित अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए। चंद्रमा और सूरज दोनों को अपनी शक्ति के आगे विवश कर देने वाला रावण एक बहुत ही कुशल सेनापति, राजनीतिज्ञ और वास्तुकला का एक मर्मज ज्ञान वाला आदमी, अर्कशास्त्र, उड़िश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षण, ये सब तो आज के टर्म्स हैं। लेकिन आपको पता है रावण का इन ग्रंथों में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि अथर्ववेद के बहुत सारे पार्ट रावण के शोध से लिए गए हैं। दुष्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूँ। मैंने जीवन में दुष्कर्म ही तो किए हैं। देखो, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। क्रोध, घमंड, घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। नॉलेज इज विजडम, नॉलेज इज पावर, एंड इफ यू हैव पावर इट डजंट मीन दैट यू कैन बी रॉन्ग। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी रावण को सिर्फ एक चीज ने कमजोर कर दिया, उसके अहंकार ने। तो इसी के साथ पहले दिन की लीला समाप्त होती है। बाकी की और भी कहानियां मैं रामनगर की लेता आऊंगा। देखिए, डेली वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस में कोई सार हो, एक कहानी हो रामलीला से जुड़ी या उससे जुड़े लोगों की या व्यापारियों की। और मैं कोशिश करूंगा कि रामलीला की कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने उजागर करूं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। जिस तरह का प्यार आपने पिछले वीडियो में दिखाया, आगे भी दिखाइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम।